दरभंगा पुलिस ने लूट कांड का किया उद्भेदन। दो बदमाश को लूट की मोटरसाइकिल व मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा जिले के मब्बी ओपी क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप और शोभन चौक के बीच में 25 जुलाई की देर शाम एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराधियों ने 15,000 रुपया व अपाची मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़ित के द्वारा इस घटना की लिखित शिकायत मब्बी थाना में की गई, जिसके बाद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। पुलिस ने टेक्निकल टीम के सहयोग से दो बदमाश को लूट के अपाची मोटरसाइकिल व मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है तथा एक फरार ओपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि मब्बी ओपी क्षेत्र में 25 जुलाई की देर शाम सिमरी निवासी अभिषेक कुमार अपनी पत्नी को बेता स्थित बालाजी अस्पताल से इलाज करवाकर घर लौट रहे थे। उसी क्रम में रिलायंस पेट्रोल पंप और शोभन चौक के बीच अज्ञात मोटरसाइकिल सवार तीन अपराधियों के द्वारा रोककर पिस्टल का भय दिखाकर अपाची मोटरसाइकिल, दो मोबाइल, 15,000 नकद, एटीएम कार्ड आदि को लूट लेने की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर मब्बी ओपी में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार तीन अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया था। वही नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में संलिप्त दो अपराध कर्मी मोहम्मद जाकिर तथा गोलू कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने लूट की अपाची मोटरसाइकिल व मोबाइल को बरामद किया। वही उन्होंने बताया कि मोहम्मद जाकिर और गोलू आर्म्स एक्ट और लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में जेल जा चुका है। ये दोनों बहादुरपुर थाना के रहने वाले हैं। एक फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। आज का जो पीसी है वो सदर थाना मब्बी ओपी क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवेदित लूट कांड का उद्भेदन से संबंधित है। रिलायंस पेट्रोल पंप एवं सोहन चौक के बीच दिनांक 25 जुलाई को रात में करीब 9 बजे वादी अभिषेक कुमार, पिता अखिलेश प्रसाद, जो अपने पत्नी को बालाजी अस्पताल बेता चौक के पास से इलाज करा करके जो है वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में अज्ञात तीन अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें रोककर पिस्टल का भय दिखा करके वादी का अपाचे मोटरसाइकिल, दो मोबाइल एवं पर्स जिसमें 15,000 रुपये, एटीएम कार्ड एवं अन्य कार्ड आदि को लूट लेने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में वादी के द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन भी थाना पे दिया गया था, जिसके आलोक में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सदर पवन कुमार सिंह, ओपी अध्यक्ष नीरज एवं इस कांड के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राहुल, ये सभी लोग मिलकर के डीआईयू के टीम में सिपाही रामबाबू एवं राजीव रंजन, इन सभी लोगों के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। और इस क्रम में इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।